असलकम आज बात करते हैं शायद हकान अबासी के मतलब कि उनकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी तालीम कहाँ से हासिल की और सियासी ज़िंदगी और इनके वाल साहब के सियासी क्या कारनामे थे शायद हकान अबासी सताईस दिसंबर 1958 को यानी उन्नीस को कराची में पैदा हुए इनके वालद का नाम हकान अबासी है बाद राये के मुताबिक इनकी वलादत मरी में हुई जो इनका ख़ानदानी सुकूनती शहर है शायद हकान अब्बासी ने इब्तदाई तलीम कराची में हासिल की बाद में मरी में कायम लार्स कॉलेज में दाखिला लिया 1978 सेवेंटी एट में जाम कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेचलर की सनद हासिल की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पर अपने काम का आगाज़ किया इसके बाद 1985 में जामिया जार्ज वाशिंगटन में एम ए के लिए दाखिला लिया जहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की शायद हकान अबासी का तहलक तहसील मरी से है जबकि इनका आबाई गांव देवल शरीफ है शायद हकान अबासी ने जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो प्रोफेशनल तौर पर अमेरिका में और सऊदी अरब में अपनी खिदमत सर अंजाम देनी शुरू की शायद हकान अबासी के सियासी पस मंज़र पर नज़र डाली जाए तो इनके वाले हकान अबासी शहीद पाकिस्तान एयरफोर्स से एयर कमांडर रिटायर्ड थे जिन्होंने हल्का इन छत्ती रापिंडी वन से 1985 में इलेक्शन लड़ा और राजा हक को शिकस्त से दो चार किया हकान अबासी जरना हक के बहुत करीबी साथी थे जबकि इन्हीं की कबीना में हकान अबासी को वफाकी वजी पैदावार बनाया गया हकान अबासी शहीद का दौर मरी कोटली सतियाँ की तारीख का सुनहरी दौर था उन्होंने अपने मुख्तार दौरे हकूत में बहुत बड़े और इनकलाबी काम करवाए आज भी शायद हकान अपने वाल वालद महरूम के नाम पर वोट लेते हैं मौजूदा दौरे हकूमत में शाह साहब ने शाह हकान अबासी साहब ने पूरे हल्के में तरक्याती काम करवाए हैं अलबतः कुछ काम अभी भी बाकी हैं शायद हकान अब्बासी साहब के वालद हकान अब्बासी का सफ़र ज़िंदगी दस अप्रैल उन्नीस सौ एटी एट को यानी उन्नीस सौ अठासी को ओजड़ी कैंप धमाके में ख़त्म हुआ और यूँ सरजमीने को हसार के लोग एक अजीम रानमा से महरूम हो गए इसके बाद शायद हकान अब्बासी सियासी मंजरनामे पर नमदार हुए दिलचस्प बात यह है कि शायद हकान अबासी के वालद न सिर्फ फ़ौजी थे बल्कि उनके ससर जनरल रियाज अब्बासी मरहूम बतौर डी जी आई एस आई पाक आर्मी में फ़राज़ सर अनजाम देते रहे शायद हकान अबासी की सियासत में पहली दफ़ा इंटरी नाइनटीन एटी एट में हुई जब उनके वाल साहब का इंतकाल हुआ उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर एलेक्शन लड़ा और जीत गए और अपने से ज़्यादा मज़बूत और पैदावार शख्स यानी राजा जफर हक को शिकस्त देकर कौमी इसम्बली की नशस्त हासिल की और बाद में इस्लामी जमहूरी अताज़ात का हिस्सा बने इसके बाद उन्नीस सौ नबे में शायद हकान अबासी आई जे आई के प्लेटफार्म से एक्शन लड़े और पार्लिमेंटेरियन सेकटरी दिफा के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते रहे उन्नीस सौ तिरानवे के बाद इंतबात में शाह हकान अवासी ने नू लीग के प्लेटफार्म से एक्शन जीता और इस दुरानी में चेयरमैन स्टेडिंग कमेटी बरए दफा रहे उन्नीस सौ सतानवे में नामजाद वजीरम ने एक बार फिर इलेक्शन जीता और बतौरे चेयरमैन पी आई ए की जिम्मेदारियाँ संभाली जनरल परवेज़ मुशरफ के मार्शला तक वो इसी अहदे पर फायज रहे जर्नल मुशर्रफ़ के मारशला के बाद शायद हकान अब्बासी ने 18 माह तक जेल भी काटी जब जर्नल परवेज़ मुशर्रफ़ की तरफ़ से दबाव डाला गया कि तैयाराज साजिश केस में नवाज़ शरीफ के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन जाएं तो इस वक्त मुश्किल और जेल में रहने को तरजीह दी लेकिन अपने लीडर के ख़िलाफ़ वाद मुफ़ गवाह ना बने सख्त जेल काटने के बावजूद शायद हकान अबासी ने सियासी सफ़र तरक नहीं किया और 2000 के के इलेक्शन में ज़िला रावलपिंडी से तारा कियानी का मुकाबला करने का इरादा किया बाद में मुशर्रफ़ की मुदालत के साथ आपको डिसकॉलीफाइड कर दिया गया शायद हकान अबासी ने ज़िंदगी में वायद इलेक्शन 2002 हज़ार हारा जो मुबीना तौर पर जर्नल रिटायर्ड मुशरफ परवेज़ मुशरफ़ की तरफ़ से धँधली करवा कर मुतज़ा सत्ती को जितवाया गया ये वही मुर्तज़ा सत्ती साहब हैं जो पी पी को छोड़ कर इन दिनों पी टी आई को अपना सियासी मस्कन बना चुके हैं दो हज़ार आठ में दोबारा इलेक्शन जीता इस वक्त यूसुफ़ रज़ा गेलानी की काबीना में वफाकी वज़ी तजारत बने मगर कुछ अरसा बाद हुकमत से आलादगी इख्तियार कर ली 2013 के इंतबात में एक दफ़ा फिर इंतहाब जीता और तकरीबन इस बार आपकी जीत का मार्जन मद मुकाबल उम्मीदवार से एक लाख वोट ज़्यादा था इलेक्शन के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने एम तरीन बाजारते पेट्रोलीम आपको सौंपी आपने उनके अतमाद पर पूरा उतरते हुए बेहतरीन तरीके से वजारत के फ़रज़ सरन्जाम देते रहे अलबत्त अपोजीशन की जानब से आप पर एल एन जी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी इसकी शफाफियत पर सवाल उठाए जा रहे थे मगर शायद हकान अबासी उम्मीद थे और इस ड्रामे का ड्राफ सीन बहुत जल्द आवाम के सामने आ गया जब सबका वज़र अजम नवाज शरीफ पनामा केस में नाइल हुए तो आपको उन्होंने अपना जानशीन बनाया उस वक्त शबाज शरीफ उनके छोटे भाई कौमी इसम्बली में आने के काबल नहीं थे वो सूबाई इसम्बली की सीट से जीते हुए और वज़ीआल पंजाब थे अगर शबाज़ शरीफ उस वक्त कौमी इसम्बली में होते तो शायद के शायद हकान अबासी को वज़र अजम ना बनाया जाता शायद हकान अबासी आम सियासतदानों की तरह नहीं ये इन तमाम सियासतदानों से इंतहाई मुख्तलफ़ हैं सादा लो इंसान हैं शराफत दयानत और बलंद अखलाक आपकी शख्सियत की, की पहचान हैं। यही वजह है कि हल्के की आवाम आपकी इन ख़ूबियों को देखते हुए हमेशा आप पर भरपूर अतमाद करती है जहाँ तक तरक्याती कामों का तल्लक है तो वो भी आस्ता आस्ता इनके हल्के में होते रहे हैं लेकिन हल्का बड़ा होने की वजह से अगर एक हल्के में काम करवाए जाते हैं तो दूसरे हल्के की अफदीत हासिल नहीं कर सकते चाकी के बाद इन पचास पाकिस्तान का सबसे बड़ा हलका है जिसमें मरी कोटली सत्तियाँ कोयटा और कलर सिदा जैसी बड़ी गुनजान आबाद तहसीलें हैं ये कहना बजा है कि इन हलाकों में जितने भी काम हुए उनका क्रेडिट शायद हकान आवासी को जाता है और जो काम नहीं हुए उनकी ज़िम्मेदारी भी इन्हीं पर है हलके में अब मीरी अस्पताल भी बन चुके हैं यूनिवर्सिटी और शाहरा कश्मीर का काम भी मुकम्मल हो चुका है और आने वाले दौर में फिर भी उम्मीद है कि इलेक्शन में आवाम शायद हकान अबासी अब्बासी परमाद करते हुए इन्हें दोबारा जताएगी शायद हकान अबासी इंतहाई वफ़ादार नाडर और बुर किस्म के सियासी रानुमा हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए अपनी जान की परवाह कर परवाह के बग़ैर वफादारी नभाई और नवाज़ शरीफ ने जब अपनी बेटी को बड़े उदों से नवाजना चाहा तो इस मसले पे शायद हकान अबासी को ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि शायद हकान अबासी और कई बड़े रहनाओं से राय नहीं लीगी और नवाज शरीफ ने अपनी जमात सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून को गर की जमात बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी अगर कोई भी बड़ा अहदा आता है तो नवाज़ शरीफ अपनी सबका रवायात को कायम करते हुए या शहबाज शरीफ के पास जोली में डाल देते हैं या अपने भतीजे हमजा शहबाज़ की जोली में डाल देते हैं और या अपनी बेटी मरियम नवाज़ की जोली में डाल देते हैं ये ऐसी बातें हैं कि जिस जिनका असर इंतहाई वफादार और मुखलस दोस्तों के दिलों पर होता है और शायद शायद के आइंदा आने वाले दौर में मुस्लिम लीग नून के कई बड़े रानु शायद हकान अबासी की तरह नवाज़ शरीफ को छोड़ दें अभी तक शायद हकान अबासी ने मुस्लिम लीग को छोड़ा नहीं बल्कि जो मुस्लिम लीग की तरफ से अहदा दिया गया था उसदे को छोड़ दिया है ख़ुदा हाफिस